भारूली गांव में बकरी चराने गए 26 वर्षीय युवक की सिंध नदी में डूबने से हुई मौत। दरअसल मामला भिंड जिले के भारूली थाना क्षेत्र के भारूली खुर्द का है, जहां मनोज वाल्मीकि सिंध नदी के किनारे बकरी चराने गया था। जहां सिंध नदी के किनारे पैर फिसलने से वो नदी में डूबने लगा। जैसे ही साथ वालों ने मनोज को डूबते देखा तो वो चिल्लाने लगे। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर स्वयं रेस्क्यू कर मनोज को बाहर निकाला। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर भरूली थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह कुशवा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। रास्ता खराब होने से आरक्षक विजय चौरसिया भी घायल हुए, जहां आरक्षक को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया और गंभीर हालत में मनोज को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक मनोज वाल्मीकि की 3 वर्ष पहले शादी हुई थी। मनोज अपने परिवार में अपने पत्नी, 1 वर्ष की बच्ची, वृद्ध माता पिता को छोड़कर चला गया है, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और मनोज बकरियों को पालकर एवं मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसके चले जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। गांव में सूचना मिलते ही मातम पसर गया। बकरी चराने गया था नदी से, उस पार थोड़ा गड्ढा था, उसे निकला, बीच में डूब गया। कौन कौन था मौके पर? हम थे और छोटा और भी 2 भाई भी थे। जैसे हमको सूचना मिली थी, ऐसे हम वहाँ पर पहुँचे। कौन सी नदी? सिंध। तो रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, आप लोगों ने स्वयं निकाला? नहीं, स्वयं गांव की मदद से हम सब लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद इसे पुलिस गाड़ी से लेके आई और हॉस्पिटल आए। डॉक्टर साहब ने मृत्यु बता दी। मनोज कुमार पिता सुरेंद्र वाल्मीकि, उम्र इसकी 26 साल है, भारोली खुर्द का ही रहने वाला है। ये वाल्मीकि जात के अस्पताल भारोली के बगल में रहते हैं। बकरी चराने गया था, किसी कारण से पानी में चला गया। दोपहर 2 बजे करीब डूब गया। गांव वाले काफ़ी लोग मौजूद थे, घर वाले भी पहुँच गए, तो बॉडी क्या मतलब सीरियस हालत में तत्काल मिल गया जी। उसे पुलिस वैन से ही लाए हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब को चेक कराया तो उन्होंने डेड बताया। इस बीच एक आरक्षक भी घायल हुआ है।